हेलो बच्चा बाजी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। स्टार्ट करेंगे इस आज की क्लास को जल्दी से। चलो स्टार्ट करें फिर फटाफट से। हाँ जी बच्चा बाजी, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एंड आज का जो चैप्टर है गाइज, वो है आपका ऊतक वाला चैप्टर, जिसमें हम करेंगे आपके जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कौन से बेटा? आपके ऊतक वाले चैप्टर के, है ना? तो 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, तो इसको स्टार्ट करेंगे। बट एक बार प्लीज इसको शेयर कर दें अपने सारे ग्रुप्स में, ताकि जो अभी तक नहीं आए हैं वो भी आ जाएं एक बार। जल्दी से एक बार। हेलो, कैसे हैं सब? एकदम बढ़िया। हेलो, गुड इवनिंग। चलिए चलो, बहुत बढ़िया, जल्दी से आ जाइए सब। 1 मिनट और लेंगे, ताकि जो बच्चे अभी तक नहीं आए वो भी आ जाएं। ठीक है, जल्दी से जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ पे। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, वेरी शॉर्ट हो या फिर हो लॉन्ग, सारे क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, तो आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं वो, उनका मैं बात करूं, क्वेश्चन आएंगे उसका पोल आएगा। एंड पोल के साथ साथ फिर अगर मैं बात करूं आपकी, तो आपको आंसर देना होगा। मैंने चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है, आपको ट्राई करना है कि भाई अच्छे सोच समझ के आंसर दें। आपको 15 सेकंड का टाइम मिलेगा, बट अगर आपको ज़्यादा टाइम भी लग रहा है तो बेटा कोई ज़्यादा इतनी बड़ी वाली बात नहीं है। क्लियर है? ओके है? ओके, चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके सामने, तो आपको आंसर देना। अगर ज़्यादा टाइम लगता है तो ज़्यादा टाइम भी ले लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर इतने टाइम में दे पा रहे हो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा यहाँ पे बोल रहे हैं कि वाहिनी काएं, जाइलम रेशे और जाइलम पैरेन्काइम, ये बनाते हैं किसको? ठीक है, आपके सामने चार यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आंसर दें। पुराने लेक्चर्स देखे हैं? बहुत सही, जल्दी जल्दी आंसर दें बेटा। क्या हो जाएगा आंसर? हाँ जी, वाहिनी काएं, जाइलम रेशे तथा जाइलम पैरेन्काइमा, ये बनाते हैं किसको? बनाते हैं, जल्दी से आंसर बच्चा। चलिए देखते हैं, पोल एंड करते हैं, कितने बच्चों ने यहाँ पे सही आंसर दिया है। तो भाई अगर मैं बात कर रही हूँ तो भाई 77% बच्चों ने सिर्फ सही दिया, बाकी सभी बच्चों ने गलत दिया है। आई डोंट नो क्यों दिया है। एंड इस क्वेश्चन का भी गलत आंसर मिलेगा तो कैसे चलेगा? तो बेटा वाहिनी काएं, जाइलम रेशे और पैरेन्काइमा, जितने भी ये जो चारों होते हैं, इनको कौन, यानी इनसे मिलकर कौन बना होता है? तो भाई इनसे मिलकर बना होता है आपका जाइलम। ठीक है, फ्लोएम नहीं है, ना ही आपका मेस्टमी ऊतक, ना ही आपके डर्मिस। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला ओके है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, पैरेन्काइमा ऊतक होता है किसका टाइप है बताइए? क्या वो विभज्योतक ही का है, क्या वो स्थाई है, दोनों का है, या फिर इनमें से कोई नहीं? एंड टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से। मैंने बढ़िया तरीके से याद करवा दिए हैं, अगर याद हैं तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं तो ये कहती हूँ, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, क्लियर है? वेरी गुड, बहुत सही। चलिए तो भाई यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो सही आंसर दिया है, कितने बच्चों ने दिया है? फोर्टी फाइव ने बोला ए एंड 44 ने बोला है बी, बाकी 5 और 3 नहीं, यानी कि नहीं पता बच्चे, कंफ्यूज। हाँ, इतना कंफ्यूज क्यों हो? हाँ जी भाई, इतना कंफ्यूज क्यों हो?
बेटा वैसे बोल रहे हो कि मैम सब कुछ आता है और कंफ्यूज दिख रहे हो, जितने बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं बेटा बहुत पढ़ने की नीड है, ठीक है। तो पैरेनकाइमाओं तक की बात कर रहे हैं, तो बेटा यहाँ पे अगर मैं पैरेनकाइमाओं तक की बात करती हूँ तो विभज्योतक के तो नहीं है, क्योंकि विभज्योतक का कौन कौन सा होता है, शीर्षस्थ हो गया आपका, अंतर्विष्ट हो गया, और कौन सा हो जाता है, पार्श्व हो जाता है। स्थायी ऊतक में आता है पैरेनकाइमा, यानी कि बेटा मृदु ऊतक, तो इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटा निम्न की एपिडर्मिस में होते हैं। स्टोमेटा जिनको हम हिंदी में बेसिकली बेटा रंध्र कह देते हैं, तो इनका क्वेश्चन ये है कि रंध्र कहाँ पर उपस्थित होते हैं, तना, जड़, पत्ती और मूल रोम। जल्दी से आंसर दें फटाफट से। अगर एक बार किसी और ने मुझे ये कमेंट किया कि मैम आवाज नहीं आ रही है, क्लास से भगा दूंगी, फिर आवाज ही नहीं आएगी, फिर सच में नहीं आएगी, अभी तो ड्रामे कर रहे हो, फिर सच में नहीं आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड, बहुत सही। चलिए भाई, जिसको आवाज नहीं आ रही है उसको सच में भगा दो यहाँ से, जो बोल रहा है आवाज नहीं आ रही सच में भगा दो। चलिए तो भाई यहाँ पे देखो, रंध्र की बात की गई थी कि स्टोमेटा जो होते हैं वो किसकी एपिडर्मिस में होते हैं, तो देखो तना तो नहीं होता है ना ही जड़, तो भाई यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पत्ती। तो पत्ती जो होती है उसपे अनेक छोटे छोटे मिलते हैं छिद्र, ठीक है। ठीक है, तो इन छिद्रों को हम लोग रंध्र कह देते हैं, ठीक है। चलिए तो पत्ती पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालनी नलिकाएं, ठीक है, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे, ये किसको मिलकर बनाते हैं, जाइलम को, फ्लोएम को, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कैम्बियम या फिर ऊतक। जल्दी से आंसर, जल्दी से आंसर फटाफट से। चलिए तो बिल्कुल देखिए, यहाँ पे बेटा चालीन नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, जिसको हम फ्लोएम मृदुतक भी कह देते हैं, एंड फ्लोएम रेशे, इनसे जो मिलकर बना होता है बेटा, वो मिलकर बना होता है हमारा फ्लोएम, यानी कि आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट है, जल का संवहन होता है। हाँ जी, जल का संवहन जो होता है बेटा वो आखिर किस में होता है, कहाँ पे, जाइलम में, फ्लोएम में, कैम्बियम में या फिर पत्तियों द्वारा, तो जल का संवहन होता है, बताइए बेटा जल का संवहन होता है कौन करता है भाई, जाइलम करता है, फ्लोएम करता है, कैम्बियम करता है या फिर पत्तियों के द्वारा हो जाएगा, क्या होगा आंसर, एंड टाइम स्टार्ट होता है अब, तो जल्दी से आंसर दें यहाँ पे, जल्दी से बेटा, जल्दी जल्दी, टाइम खत्म, 3, 2, 1 एंड टाइम होता है खत्म। तो बेटा जल का संवहन जो करता है वो करता है जाइलम, आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, भोज्य पदार्थों का संवहन करने वाला जो ऊतक है वो कौन है, एंड चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, श्रावी ऊतक, भरण ऊतक, फ्लोएम और आपका जाइलम, एंड टाइम स्टार्ट होता है, जल्दी से आंसर दें फटाफट से। जल्दी से आंसर, हाँ जी, भोज्य पदार्थों का संवहन करता है कौन सा ऊतक करता है, आपको पता है कि भाई खाना तो बन गया, अब खाना बन चुका है तो भाई उस खाने को, ठीक है, पौधे के एक भाग में कौन पहुंचाता है, कौन करता है भोज्य पदार्थों का संवहन, टाइम खत्म हो गया है, वेरी गुड, ट्रिक याद है ना सोनाक्षी, वेरी गुड, फर्स्ट से फूड है ना, यानी कि भाई क्या हो जाता है, फर्स्ट से फूड यानी कि एफ से फूड हो जाता है इंग्लिश में, यानी कि भोजन है ना, और इंग्लिश में लेकिन हम फ्लोएम को क्या नहीं करते हैं, एफ से स्टार्ट नहीं करते, पीएच से स्पेलिंग आती है, ठीक है, क्लियर है। तो यहीं पर
क्या ट्रिक है इसकी? फ से फ्लोएम, एफ से फूड यानी कि भोजन। तो भाई वो करता है कौन आपका? फ्लोएम। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जंतु ऊतक चार प्रकार के होते हैं, हम सबको पता है ना? तो बताइए जो चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं इनमें से कौन सा जंतु ऊतक नहीं है। एंड टाइम स्टार्ट हो चुका है, तो जल्दी जल्दी आंसर देंगे बच्चा पार्टी, जल्दी से आंसर देंगे। जल्दी से चलिए, बहुत सही। चलिए चलिए, तो बेटा जंतु ऊतक चार प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय और तंत्रिका ऊतक, है ना? तो यहाँ पे देखो एपिडर्मिस जो है ये आपका क्या नहीं है बेटा? एपिडर्मिस जो है वो आपका जंतु ऊतक नहीं है, यानी कि आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर को ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, एपिथीलियम बोलेंगे आप उसको, तंत्रिका ऊतक कह देंगे, संयोजी ऊतक कह देंगे, या फिर आप उसको कह देंगे पेशीय ऊतक। बेटा जल्दी से बोलो, से ज्यादा मैं नहीं चिल्ला पाऊंगी बिकॉज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, है ना? तो जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा। हाँ जी, हाँ जी बच्चा, क्या हो जाएगा? शरीर को ढपने, कौन रक्षा करता है यहाँ पे बताइए। टाइम स्टार्ट कर दिया है मैंने, सोच लिया होगा अब तक, तो फटाफट से चूज करो कौन सा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। चले देखते हैं यहाँ पे, 3, 2, 1 एंड टाइम खत्म हो गया। एंड 64 ने बोला है ए, बाकी अभी भी गलत दे रहे हैं, है ना? अभी भी गलत दे जा रहे हैं यार। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि एपिथीलियम जिसको हम उपकला भी कहते हैं, क्या करता है बेटा? हमारी रक्षा करता है। स्किन क्या कर रही है भाई? हमारी रक्षा कर रही है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है, बाकी यहाँ पे गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरल एपिथीलियम की कोशिकाएं कैसी होती है? टाइम स्टार्ट हो गया है, चार ऑप्शन को बहुत ध्यान से देखिए। चपटी व प्लेट के समान, ठीक है, ऊपरी परते मृत एपिथीलियम कोशिकाओं की होती है, लंबी व स्तंभाकार, या फिर सतह पर रोम होते हैं। जल्दी से आंसर दें। जल्दी जल्दी जल्दी, देखो टाइम खत्म हो गया है यहाँ पे। तो सरल एपिथीलियम की कोशिकाओं की बात की गई थी, तो भाई वो कैसी होती है? बिल्कुल पतली और प्लेट के समान होती है। मैं वापस बोल रही हूँ, इस चैप्टर का एक एक लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो प्लीज देख लेना, यूट्यूब प्लस ऐप दोनों पर ही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, क्या कि भाई सबसे कठोर ऊतक कौन सा है? ठीक है, तो बताइए कौन सा है। जल्दी से बताइए, हड्डी उपास्थि, हाइलेन उपास्थि, कान की उपास्थि, सबसे कठोर ऊतक की बात की गई है। वेरी गुड, बहुत सही। ये तो अगर गलत किया तो बेटा फिर तो क्या ही पढ़ रहे हो, है ना? अगर ये गलत कर दिया तो चलिए, तो सबसे कठोर ऊतक की बात यहाँ पर की गई थी, तो कौन सा होता है? तो सबसे कठोर ऊतक होता है आपका हड्डी। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जल्दी से। एंड क्वेश्चन है आपका क्या कि हड्डियों के सिरे किससे जुड़े होते हैं? फटाफट से आंसर दें। पेशियों से, कंडरा, स्नायु, या फिर उपास्थि। अब सोचो कि दो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं, तो उन दो हड्डियों को आपस में कौन जोड़ेगा? हाँ जी, पेशियां जोड़ेंगी, कंडरा जोड़ेगा,
स्नायु या फिर उपास्थि? जल्दी, टाइम खत्म हो चुका है। देखो बेटा, दो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई हैं। किसके जरिए जुड़ी हैं, कौन जोड़ रहा है? तो याद रखना कि जो स्नायु होता है बेटा, दो हड्डियों को आपस में जोड़ता है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे बात करें कि हड्डियां और जो पेशियां जुड़ी हैं, अब हम देख रहे हैं हड्डी है उसके ऊपर मांसपेशियां भी हैं, है ना? तो हड्डियों को और मांसपेशियों को, उनको आपस में कौन जोड़ रहा है बेटा? क्या वो संयोजी ऊतक जोड़ रहा है, कंडरा जोड़ रहा है, वसा ऊतक जोड़ रहा है, या फिर स्नायु? हाँ जी बेटा, कौन जोड़ रहा है, जल्दी से बताइए। हाँ जी बेटा, कौन जोड़ रहा है, जल्दी से फटाफट से बताएंगे। यहाँ पे संयोजी ऊतक, कंडरा, वसा में, या फिर स्नायु? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी आंसर दें। चलिए, टाइम खत्म हो चुका है यहाँ पे। एंड देखो, मैंने कितने लेट बाद आपका टाइम स्टार्ट किया कि आपको सोचने का मौका मिल जाए, फिर भी आंसर नहीं दे पा रहे बेटा। तो वो होता है कंडरा। कंडरा क्या करता है, हड्डी और मांसपेशियों को आपस में जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, घनाकार एपिथीलियम जो होती है वो पाई जाती है कहाँ पर? श्वास नली में, त्वचा में, आहार नली में, या फिर कहाँ पर मिलेगी भैया, बताइए बेटा। हाँ जी, घनाकार एपिथीलियम पाई जाती है किस जगह? बेटा जल्दी से आंसर देना, कहाँ पर मिलती है घनाकार एपिथीलियम जो होती है? अलग अलग टाइप से होती है, टाइम खत्म हो गया है ना? तो घनाकार एपिथीलियम कहाँ मिलती है? काफी बच्चों ने सही आंसर दिया, बिल्कुल वृक्कीय नली, आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तंत्रिका कोशिकी लंबी होती है, कितनी लंबी होती है बेटा? 1 सेंटीमीटर तक, 10 सेंटीमीटर तक, 1 मीटर तक, या फिर 2 मीटर तक? कितनी लंबी होती है? चलिए, तो बेटा वो 1 मीटर तक आपकी लंबी होती है, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊतकों का निर्माण होता है किससे? अंग तंत्रों से होता है, कोशिकाओं से होता है, अंगों से होता है, या फिर आपका आ जाता है ये सभी? जल्दी से बताइए बेटा, ऊतक किससे मिलकर बने होते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका। हाँ जी, जल्दी से आंसर देंगे, ऊतक का निर्माण होता है किससे? हाँ जी, देखो टाइम खत्म है बेटा, हमें पता है कि कोशिकाएं ही तो किसको बनाती हैं, ऊतक को। बस आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। नेक्स्ट। अच्छा, विशिष्ट कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? क्या झुंड कह देते हैं, समूह कह देते हैं, या फिर कोशिका समूह कह देते हैं? आप 1 मीटर लिखकर आएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। चलिए, और याद रखना ये एक अकेली ऐसी कोशिका जो विभाजन नहीं करती है। ठीक है, कौन? तंत्रिका कोशिका। तो नेक्स्ट, विभिन्न विशिष्ट कोशिकाओं का समूह कहलाता है, हमारा क्वेश्चन ये था। एंड यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे, झुंड हो गया, समूह हो गया, ऊतक और कोशिका समूह। टाइम बीत चुका है, तो बिल्कुल ऐसों को हम बोल देते हैं ऊतक, क्योंकि विशिष्ट कोशिकाओं का समूह जिनकी संरचना, जिनकी उत्पत्ति एक जैसी हुई होती है, यानी कि जिनकी उत्पत्ति और संरचना एक जैसी होती है, तो ऐसी कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कह देते हैं। चलिए नेक्स्ट है, यहाँ पे प्रोहो के जड़ों और तनो वृद्धि वाले यानी शीर्ष भागों में कौन सा होता है? क्या वहां पे शीर्षस्थ विभज्योतक होता है बेटा? क्या वो अंतर्विष्ट विभज्योतक होता है, पार्श्व होता है, या फिर स्थायी? जल्दी से आंसर दें बेटा, याद करो किसमें पूछ रहे हैं, कि प्रोहो के जड़ों और तनों वाले वृद्धि वाले क्षेत्र में, इन भागों में कौन सा होता है? चलिए,
तो भाई शीश की बात कर रहे थे कि शीश वाले भागों में तो शीशस्थ मिलता है, जहां पे विभाजन होकर क्या करता है, वो लंबाई में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हाँ जी, विपजोतक की कोशिकाएं विभाजित होकर बेटा किसको बनाती हैं? अस्थायी को बनाती हैं, स्थायी ऊतक को बनाती हैं, चल ऊतक को बनाती हैं, या फिर जटिल अस्थायी हो जाता है। हाँ जी, विपजोतक की कोशिकाएं विभाजित होकर बनाती हैं किसको? अस्थायी ऊतक को, स्थायी ऊतक को, चल ऊतक को, या फिर जटिल अस्थायी ऊतक। क्या होगा? चलिए, वेरी गुड, बहुत सही। क्या होता है बेटा? विभाजोत्तक की कोशिकाएं लगातार विभाजन करती हैं, और विभाजन करके वो किसको बना देती हैं? स्थायी ऊतक को बना देती हैं। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जिन मृदुतक ऊतकों में बेटा क्लोरोफिल मिलता है उनको क्या कह देते हैं? क्या हरित ऊतक कह देते हैं, स्थूल कोण ऊतक कहेंगे, दृढ़ोतक कह देते हैं, या फिर संवहन बंडल? हां जी बेटा, वेरी गुड। देखो बेटा, जिन मृदुतक में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल क्या देता है? हरा रंग, ठीक है, जिसकी वजह से उनको क्या कह देते हैं? हम हरित ऊतक कह देते हैं। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तैरने वाले पौधों को जो होते हैं उनमें मृदुतक को हम क्या कह देते हैं? हाँ बताइए, एरोनकाइमा, एरोनोकाइमा, एरेनकाइम, ठीक है, इसको एरेनकाइमा कर लो, या फिर एरेनोकाइमा। हाँ जी बेटा, तैरने वाले जो पौधे होते हैं उनमें मृदुतक को क्या कहते हैं? चलिए, टाइम खत्म हो गया, तो बेटा इसको हम कह देते हैं एरेनकाइमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दृढ़ोतक ऊतक जो होते हैं वो पौधों को कैसा बना देते हैं? दृढ़ का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा ठोस, बहुत ज्यादा कठोर। तो बताइए, दृढ़ोतक ऊतक जो है वो पौधों को बनाते हैं कैसा? क्या वो नर्म बनाएंगे, क्या वो कोमल बना देंगे, लचीले, या फिर कठोर? बेटा मैं वापस बोल रही हूँ, मैं ज्यादा नहीं चिल्ला पाऊंगी बिकॉज मेरा गला बहुत ज्यादा खराब हो रखा है। हाँ जी बिल्कुल। देखो, दृढ़ोतक ऊतक नाम में क्या है? दृढ़, यानी कि दृढ़ोतक ऊतक पौधों को बनाते हैं क्या बनाते हैं? बिल्कुल कठोर बनाते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो बताइए, स्टोमेटा, एपिडर्मिस, गुहिकाओं, या फिर लिग्निन? हाँ जी, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है बेटा वो किसके द्वारा संपन्न होती है? चलिए, टाइम खत्म, यहाँ पे स्टार्ट ही नहीं करा, चलो अभी वापस स्टार्ट कर देते हैं। 15 सेकंड आपके पास हैं, जल्दी से बताओ। स्टोमेटा यानी कि रंध्र, एपिडर्मिस जो सबकी बाहरी परत होते हैं सबसे, ठीक है, प्लस गुहिकाओं, लिग्निन। चलिए भाई, टाइम होता है खत्म, 2-1 एंड टाइम गायब। ठीक है, तो भाई यहाँ पे वो होते हैं बेटा स्टोमेटा जो पत्ती में होते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जितना भी जो फालतू पानी होता है उसको वाष्प बना के उड़ा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जाइलम और फ्लोएम कैसे ऊतक होते हैं? क्या वो संवहन ऊतक होते हैं, प्रतिरक्षी, उत्सर्जक, या फिर पेशी? हाँ जी बेटा, जाइलम और जो फ्लोएम होते हैं वो कैसे ऊतक होते हैं? संवहन ऊतक होते हैं, प्रतिरक्षी हो जाते हैं, उत्सर्जक हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं? चलिए देखो बेटा, जाइलम क्या करता है? जल का संवहन। फ्लोएम करता है आपका भोज्य पदार्थों का संवहन, इसीलिए हम इनको बोलते हैं संवहन ऊतक। और पौधों में दो ही प्रकार के संवहन ऊतक मिलते हैं, इसके अलावा कोई तीसरे प्रकार का संवहन ऊतक नहीं मिलता। ओके, नेक्स्ट है, जंतुओं के अधिकांश ऊतक होते हैं कैसे? निर्जीव, जड़, जीवित, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? हाँ जी बताइए जल्दी से। जंतुओं के अधिकांश ऊतक होते हैं निर्जीव, जड़, जीवित, या फिर इनमें से कोई नहीं? टाइम स्टार्ट, जल्दी जल्दी जल्दी।
कुछ ही सेकंड्स बाकी हैं। बिल्कुल, देखो जंतुओं के अधिकांश ऊतक की बात की गई थी यहाँ पे, तो कैसे होते हैं भाई, वो जीवित होते हैं, निर्जीव थोड़ी ना होते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐच्छिक पेशियां विद्यमान होती हैं। बेटा ऐच्छिक पेशियां कौन सी होती हैं? वो पेशियां जिन पर हमारा कंट्रोल होता है ना? तो वो पेशियां जिन पर हमारा कंट्रोल होता है कि भाई हमें चलना है तो हमारी कौन मदद करे? पैरों की मांसपेशियां मदद कर रही हैं। लिखना है तो हाथों की, भाई वो मेरा कंट्रोल है कि मुझे चलना है नहीं चलना है ना? तो ऐच्छिक पेशियां विद्यमान होती हैं जहां पे, यानी कि भाई भोजन नली, कंकाल तंत्र, नेत्र पुतली या फिर फेफड़ों की श्वसनिया। याद करो आपका कहाँ पे कंट्रोल होता है, फटाफट से, और बताइए ऐच्छिक पेशियां कहाँ पे पाई जाएंगे। टाइम खत्म यहाँ पे। देखो आप खाना खा ले तो उसके बाद आपका कोई कंट्रोल नहीं होता कि खाना कहाँ गया, किस तरीके से वो डाइजेस्ट हो रहा है। कंकाल तंत्र बिल्कुल आपका कंट्रोल है कि आपको चलना है, उठना है, बैठना है, दौड़ना है, ठीक है। नेत्र पुतली आपकी पलके झपक रही है, आपका कंट्रोल नहीं है, है ना। एंड फेफड़ों की जो श्वसनिया है वहां पर भी आपका कंट्रोल नहीं है। तो भाई आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। भैया गर्म पानी पी पी के थक गई मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अस्थि संयोजी ऊतक का उदाहरण है जो निर्माण करते हैं किसका? बेटा अस्थि संयोजी ऊतक, अस्थि मतलब हड्डी, किसको बनाएगा? रक्त को, मज्जा को, मस्तिष्क को या फिर कंकाल को? हाँ जी बेटा, अस्थि संयोजी ऊतक जो है वो किसका एग्जाम्पल है? चलिए तो भाई टाइम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। आप सोच लिया होगा आपने, तो फटाफट से आंसर दे दीजिए। अस्थि का मतलब होता है बेटा हड्डी, है ना। वो भी एक आपको पता है कि आपका अस्थि संयोजी ऊतक क्या है, यानी कि अस्थि संयोजी ऊतक का ही प्रकार है। तो वो किसको बनाएगा? देखो ब्लड को तो बनाएगा नहीं, ना ही मज्जा को, ना ही मस्तिष्क को। तो बेटा वो बनाता है कंकाल को। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ठीक है। चलिए यानी कि डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हृदय में पेशियां होती है। बेटा हृदय में कैसी पेशियां? यहाँ पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ऐच्छिक, क्या आपका कंट्रोल होता है? अनैच्छिक, क्या आपका कंट्रोल नहीं होता है? स्वायत्त या फिर इनमें से कोई नहीं? हाँ जी बेटा, हृदय में पेशियां होती हैं, ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां, स्वायत्त या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए टाइम खत्म। तो बेटा हृदय में अनैच्छिक पेशियां होती है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूरॉन से निकलती है क्या? बेटा न्यूरॉन से क्या निकलते हैं? क्या पतले बालों जैसी शाखाएं निकलेंगी वहां से? मोटी शाखाएं, मध्यम शाखाएं या फिर लंबी मोटी शाखाएं? जल्दी से बताइए बेटा, न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका कोशिका क्या है जो हमारे पूरे शरीर में जाल की तरह फैली है और सूचनाओं को क्या कर देती है? एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है ना? आंसर दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? टाइम खत्म हो गया है। तो बेटा उससे निकलती है पतली पतली बालों जैसी शाखाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। एंड आपका क्वेश्चन है कि किसमें उपास्थि विद्यमान नहीं होती है? उपास्थि क्या होती है? देखो हड्डी तो बहुत लचीली होती है, उपास्थि क्या होती है, यानी कि अगर हम बात करें अस्थि और हड्डी की, यानी कि सॉरी अस्थि और उपास्थि की, तो अस्थि तो बहुत मजबूत है ना, आप देखो अपने हाथ को पकड़ के। लेकिन वहीं पे मैं बात कर रही हूँ आपकी उपास्थि, नो नोज का आगे वाला हिस्सा, कान का ऊपर वाला हिस्सा, इजीली ऐसे मुड़ जाता है, लचीलापन है ना। तो ये जो है बेटा यहाँ पे, यानी कि पूछे कि उपास्थि किसमें विद्यमान है, तो बस सिंपल सी बात है कि उपास्थि देखो नाक में भी होती है, कान में भी होती है और श्वास नली में भी, सिर्फ गुर्दे में नहीं होती है, ठीक है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन कि संकुचनशील जो प्रोटीन होती हैं वो विद्यमान होती हैं किसमें? हड्डियों में, रक्त में, पेशियों में या फिर उपास्थि में? और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार आपको ना, और कमेंट बॉक्स में एक बार एक फॉर्म पड़ा हुआ है और बार पिन भी हो रहा है कि आगे आप 9th में हैं अब, यानी कि क्लास 9th में, अब क्या आप क्या करना चाहते हैं तो बिल्कुल बताइएगा ताकि आपको आने वाली क्लासेस उसी अकॉर्डिंग मिल पाए, ठीक है। तो भाई संकुचनशील प्रोटीन विद्यमान होती है किसमें? पेशियों में होती है। बस सिंपल आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये थे आपके 30 मिनट और 30 क्वेश्चन। तो हमने किए हैं ऊतक वाले चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू खत्म। ओके, तो आई होप आपको मजा आया है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, जल्दी होगी। एंड
मैं जल्दी से ठीक भी हो जाऊँ, कोशिश करूंगी। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा पार्टी।